85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करें। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएं। आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विकल्प विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद। अगर अखिलेश जी को ये लगता है कि वो 25.5% दलितों के बिना अपनी सरकार बना सकते, तो उनको बधाई। अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। इसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है, तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीज़ें बात होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें, क्योंकि घोषणा करना और उन पर खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया, और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुँची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इसमें इस विषय में ये भी याद दिला दूँ कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहाँ नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीज़ों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज़्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले किए, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीज़ें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में भी रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डरता, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषयों पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाएँ, उनकी ज़मीन कब जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये। चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जा सकते हैं, वहीं पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन में न जाने का ऐलान कर दिया। आजाद का कहना है कि अखिलेश ने उन्हें गुमराह किया, उन्हें दलितों की फिक्र नहीं है, वो 2 महीने से उन्हें सिर्फ घुमा टहला रहे हैं, वो कहीं नहीं चाहते कि दलित समाज का भला हो। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। क्या हुआ, यहाँ चर्चा चल रही थी कि रामगढ़ जी गठबंधन के अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं, और आज बड़ा खुलासा कर दिया अध्यक्ष जी ने। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुलासा किया है वो ठीक ही किया है,
उन्होंने बताया कि लंबे समय से उनको आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन के अनुसार जब उन्होंने बैठ के बात नहीं की और धोखा किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख दिया है। तो ये थे रावण, जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव को बधाई देता हूं अगर वो सरकार बनाते हैं, लेकिन वह दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पे निकलने के बाद में ACP को ढूंढने, उनका कहना है जाके भाजपा दफ्तर के सामने ताला लगाएं। हमारे दफ्तर में ताला लगाने की क्या जरूरत है? तो आपने देखा, आज से रावण के ऐलान से ही एक बार सियासत जहां पर अखिलेश यादव की तरफ करवट ले रही थी, माना जा रहा था पूरा विपक्ष अखिलेश की तरफ से गोलबंद हो गया है, लेकिन ऐसे में रावण का अलग जाना, अखिलेश का रावण को ना भाव देना एक बार फिर से भाजपा के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो सकता है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। एक तरफ जहां सुर्खियों में चल रहा था कि चंद्रशेखर रावण भी बहुत जल्द अखिलेश यादव के साथ नज़र आ सकते हैं, उसी को लेकर आज उन्होंने माना जा रहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इसका खुलासा भी करेंगे कि उनकी कितनी सीटों पर बात होगी और वो कब अखिलेश यादव के साथ दिखेंगे, लेकिन रावण ने आने के बाद में यहाँ जो खुलासा किया उसके बाद में पूरे सियासत में हलचल मच गई है। रावण ने अखिलेश यादव पर पूरे दलित समाज का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 महीने से सिर्फ हमें टहला रहे हैं और उन्हें दलित का वोट चाहिए ही नहीं, उन्हें दलित का साथ चाहिए ही नहीं, और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि कल ही अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, उन्होंने फ़ोन करने को कहा था और उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। ऐसे में सीधा साफ संदेश है कि अखिलेश यादव को चंद्रशेखर रावण के साथ साथ पूरे दलित समाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में सियासत में जो है हलचल मची हुई है। अगर अखिलेश जी को ये लगता है कि वो 25% दलितों के बिना अपनी सरकार बना सकते, तो उनको बधाई। सर, ACP को क्यों ढूंढ रहे हैं आप? ACP को क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे कह रहे थे कि इन पे ताला लगा देंगे हमारे दफ्तर पे जी। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है जो हमारे दफ्तर पे ताला लगा देगा? अगर लगाना तो भाजपा के दफ्तर पे ताला लगाओ जी। हमारे दफ्तर पे ताल लगाने वाले को हम देखना चाह रहे थे, कहाँ हैं? बुलाइए ना। रोकी गई, क्या करेंगे? कोई आंदोलन करेंगे सर? सर कोई आंदोलन करेंगे? क्या मैसेज देंगे सर? हल्के में ले रहे हैं आपको लोग? नहीं, ऐसा मत कहो जी। देखो, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं मजबूरी हो सकती है, हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, हम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, वो ACP साहब कहाँ है जो हमारे दफ्तर पे ताल लगा रहे थे? बुलाइए ना जरा, कहाँ लगाए ताला? देखें, बिल्कुल रावण की ललकार ACP को ढूंढ रहे हैं रावण इस समय, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका प्रशासन को। सर, इतना नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को? अरे नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। तो ये थे रावण, जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव को बधाई देता हूं अगर वो सरकार बनाते हैं, लेकिन वह दलितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हालांकि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पे निकलने के बाद में ACP को ढूंढने, उनका कहना है जाके भाजपा दफ्तर के सामने ताला लगाएं। हमारे दफ्तर में ताला लगाने की क्या जरूरत है? तो आपने देखा, आज से रावण के ऐलान से ही एक बार सियासत जहां पर अखिलेश यादव की तरफ करवट ले रही थी, माना जा रहा था पूरा विपक्ष अखिलेश की तरफ से गोलबंद हो गया है, लेकिन ऐसे में रावण का अलग जाना, अखिलेश का रावण को ना भाव देना एक बार फिर से भाजपा के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो सकता है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।